रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सी वी प्रेजेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो नई वीडियो है उसमें हम इटली के मुतल थोड़ी सी बात करने वाले हैं, और क्योंकि यार चार मई के बाद जो उन्होंने थोड़ी सी नई तैयार की है, और पाकिस्तान में भी 9 मई के बाद जो नया ऑर्डर जारी हुआ है कि उसमें भी वफाक में सिर्फ जो है 9 मई के बाद थोड़ी सी नई जो है वो दी गई है। और इसी सिलसिले में आज एक नई थोड़ी सी अपडेट आई इटली के लिए। तो वो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा। और तो सबसे पहले ये है कि पहले तो 4 मई की जो अपडेट आई थी कि इटली में ट्रांसपोर्ट वगैरह थोड़े बहुत जो हैं वो जो लोकेशन हैं वो खोल दी गई हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने नया एग्रीमेंट जारी किया कि 18 मई के बाद ये तक जो है म्यूज़ियम वगैरह जो है ये ओपन करेंगे, और इसके बाद बिजनेस वगैरह के लिए जो चीज़ें भी सरगर्मियाँ जो होंगी वो खोली जाएंगी, और ये 18 मई के बाद से स्टार्ट की जाएंगी। और उसके बाद उन्होंने बताया गया है कि बाकी जो दीगर दुकानें ड्रेसिंग ब्यूटी पार्लर वगैरह जो हैं इसका जो तजर्बा होगा वो मरला बार 1 जून के बाद स्टार्ट किया जाएगा। और इसके बाद उन्होंने साथ साथ बताया है कि इनका तलीमी इदारे जो हैं फ़िलहाल वो नहीं खोल रहे हैं। इस सिलसिले में अभी जो है इनकी तकरीबन सिस्टम जो है थोड़ा सा ज़्यादा सख्त है, तो इस सिलसिले में भी तलीमी इदारे बंद रहेंगे, लेकिन 18 मई के बाद बाकी दीगर चीज़ें जो हैं इटली में खुल रही हैं, जिसमें म्यूज़ियम है और बाकी बिजनेस के जो लेट काम होते हैं काम वो ओपन हो रहे हैं। और 1 जून के बाद बाकी जो आम ऑर्डनरी चीज़ें हैं जिसमें हेयर ड्रेसिंग दीकर दुकानें ब्यूटी पार्लर और इनका जो तजर्बा होगा वो 1 जून के बाद किया जाएगा। तो ये एक नई अपडेट आई थी, और ये इनका ये जो इटली के जो वज़ीरे आज़म है ये उनका बयान था कि हमने इस तरह से नया अपडेट जो करनी है, नया मरला बार जो हमने चीज़ें खोनी है वो इसके बाद हम खोलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो वीडियो पसंद आएगी, मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे नहीं ज़्यादा तकलीफ। अल्लाह हाफिज़।